वोटिंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर, सुबह के बज गए हैं 7 और 7 बजते ही जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद अब वोटिंग पोलिंग स्टेशन पर लोगों का हुजूम नजर आने लगा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए वोट डाले जाने अब प्रारंभ हो गए, शुरू हो गए। 24 सीटों पर मतदान शाम 6 बजे तक का लोगों के पास समय, जब वो घर से निकलकर वोट डाल सकते हैं, अपने प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं कि किसको वो बागडोर अपने विधानसभा की देना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा का चुनाव और कई देशों की निगाहें होंगी जम्मू कश्मीर पर। हमारे 3 संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत हमारे साथ हैं, सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ हैं और मीर फरीद भी हमारे पास है। मीर फरीद, सबसे पहले आपके पास आते हुए आएंगे, आपके पास भी हम लौटेंगे। कमलजीत का रुख कर लेते हैं। कमलजीत, पहली तस्वीर कैसी है? पगड़ी मिल गई आपको? तस्वीरें देखिए, ये किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं। हमारी संवाददाता भी वहां पर, हम देखिए पिंक बूथ है और महिलाएं भी आप देखेंगे कि ये पिंक गुलाबी पगड़ी पहने हुए और हाथ पर स्याही दिखाते हुए, यानी कि 7 बजते ही पहला वोट भी डल चुका है और चेहरे पर मुस्कुराहट आपको ये नजर आएगी। लोग बहुत उत्साहित है क्योंकि एक लंबा समय जब लोगों ने इंतजार किया है। ये देखिए, ये पहली तस्वीर किश्तवाड़ की दिखी है आपको। अब आपको रामबन लिए चलते हैं सुनील जी भट्ट के पास। सुनील जी भट्ट, पहली तस्वीर आप दिखाएं। जी बिल्कुल राजीव, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले चरण का मतदान है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इस समय मैं मौजूद हूं एक पोलिंग बूथ पर रामबन विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मतदाता यहां पर पहुंच चुके हैं और एक एक करके अब मतदाता वोटिंग सेंटर के अंदर जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जैसे कि राजीव आपने कहा कि काफी समय बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ये पहले विधानसभा के चुनाव है अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद। उसके बाद परिसीमन की भी प्रक्रिया हुई है, तो इस बार जो समीकरण है वो बदल चुके हैं। अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, रामबन विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ये मुकाबला यहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राकेश ठाकुर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अर्जुन सिंह और एक बीजेपी के बागी जो नेता है जो कि स्वतंत्र तौर पर लड़ रहे हैं, सूरज सिंह परिहार। तो त्रिकोणीय मुकाबला इस विधानसभा क्षेत्र में देखा जा सकता है। हम यहाँ पर मतदाताओं से बात करते हैं। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर जी, मुझे एक चीज बताइए कि इस इलाके के मुद्दे क्या हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप लोग वोट डालने आए? सर इस इलाके का सबसे बड़ा एक मुद्दा है सर, वो है बेरोजगारी। सर इस टाइम पे कोई भी बंदा जो है, जो हमारी एज का बंदा है सर, कोई काम पे नहीं है। सर कोई काम नहीं है। दूसरा सर, पढ़ाई वगैरह सब बंद हो चुका है सर। और जो बेरोजगारी है सर, वो इसकी वजह से बढ़ी हुई है सर, कि कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं है कोई। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? सर 12th की है मैंने। 12th की, आगे हमें पढ़ने की इच्छा ही नहीं थी, आगे पढ़ ही नहीं सकते थे हम। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा। जी हाँ जी सर, वो उसी की वजह से हम पढ़ ही नहीं सके, आगे काम पे लग गए कभी कहीं कहीं। हम यहाँ पर कुछ महिला वोटर भी आए हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? शहनाज बेगम। शहनाज जी मुझे बताइए, आपके इलाके में मुद्दे क्या हैं? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। फिर भी मतलब कोई पानी बिजली? हाँ सब कुछ है, ठीक है सारा कुछ। यहाँ पर सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजीव की लोकतंत्र के महापर्व में लोग सहभागी बनने आए हैं। लोग तो क्लियर नजर आ रहे हैं कि वो किन मसलों को, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालेंगे। कई लोग अभी भी कुछ जो है सब कुछ उनको सब ठीक लग रहा है। मीर फरीद का रुख कर लेते हैं। मीर फरीद, दक्षिण कश्मीर में पहली तस्वीर, क्या आप तो इस समय ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन क्या आपको नजर आया अभी तक पोलिंग स्टेशन पर? मीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। कमलजीत भी हमारे साथ हैं। कमलजीत, हमने देखा कि पिंक बूथ पर अभी महिला जो वोट डालकर मुस्कुराते हुए नजर आई थी और आपके पास भी हम लौटते हैं। सुनील जी भट्ट के पास एक बार फिर उखड़ते हैं। सुनील जी भट्ट, जम्मू में क्षेत्र में काफी लोग नजर आ रहे हैं सुबह सुबह। सुनील जी भट्ट, राजीव सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि आज सुबह के सबसे पहले मतदाता जो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके आए, हम इनसे सीधा बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? तुलसीदास। तुलसीदास जी, आपने वोट डाल दिया, मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है? जी जी बढ़िया हो रही है। खुश हो रहे? खुश हो रहे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मुद्दे क्या हैं इस इलाके के जिनको ध्यान में रखते हुए आज आपने अपना वोट दिया? मुद्दे सर बिजली, पानी, बेरोजगारी,
सर। तो ये बड़े मुद्दे हैं इस इलाके हाँ, के। हाँ जी। अच्छा, इस इलाके में मैंने देखा ये बहुत ही दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर तो कनेक्टिविटी के भी इश्यूज है, सड़क का भी इशू, रोड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए सर जी। तो मुझे बताइए, आप सुबह सुबह आगे सबसे पहले वोट डाले? जी जी। नाश्ता वास्ता किया था? नाश्ते चाय पिया सुबह, सिर्फ चाय पिए, और रात को सपने में भी आया, सुबह मैंने वोट डाला। अच्छा, इतनी उत्सुकता थी कि सपने में भी वोट डाले? जी जी। तो आप समझ सकते हैं राजीव की लोकतंत्र का महापर्व है ये, मतदाता कह रहे हैं कि आज जब ये मतलब यहाँ वोट डालने आए काफी प्रसन्न थे, और रात में सपने में भी नहीं आया था कि ये वोट डाल के आए थे। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मतदाता वोट डालते हैं अपने नुमाइंदे चुनते हैं, का उत्साह था सिर्फ तुलसीदास जी की, बाकी सबको भी इसी तरह से उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद वहां पर वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर चुनाव हो रहे हैं।